Angoori! 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 Angoori, ये तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? और ये तुम इतनी नाटी क्यों लग रही हो? खैर छोड़ो, हमें नाटी लड़कियां भी बहुत पसंद है। ये लड्डू है, लड्डू। पहले नहीं बता सकता था क्या मैं? क्या भैया, भाभी माँ मेरे मुंह पे टॉर्च मार रही है, फिर भी आपको हम नजर नहीं आ रहे हैं। लड्डू, तुमको पता है ना, तुम्हारे भैया को अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। क्या मतलब? मतलब इरात को सूरदास बन जाते हैं। अरे क्या अंगूरी, तुम इसे सूरदास और कबीरदास समझा रही हो? अरे इसके मुंह में फौज है, बाहर जाके चार लोगों के बीच में बक देगा। नहीं नहीं लड्डू, ऐसा नहीं करेगा। देखो लड्डू, तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम्हारे भैया को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। भाभी माँ, हम आपके आगे कभी ताले हैं का? सही पकड़े हैं। अरे अंगूरी, फिलहाल तुम हमें पकड़ लो भाई, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम इधर है, इधर। अभी जब बत्ती गई तो अनीता भाभी के चीखने की आवाज आई। लड्डू जरा जाके देख के आओ क्या माजरा है, जाओ। भैया हमको बहुत नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। आ जाओ, जाओ। यार ये लड़का भी ना, इसमें जरा सा भी पड़ोसीज़म नहीं है। अरे आप काहे चिंता कर रहे हैं अनीता जी की, वो भरभूति जी है ना उनके पास। उसी की तो चिंता है। आजा, आजा, ओके। आर यू फीलिंग ओके नाउ? I'm fine. तुम देखो ना जरा बिजली का हो क्या रहा है। हाँ, तुम बैठो, मैं आता हूँ। गर्मी में बिजली चली गई, कमाल है। हाँ दया, ये लड्डू, जाओ अपने भैया के साथ रहो। ठीक है मम्मी, मैं जाता हूँ। छोड़ना नहीं उनको, पकड़े रहना। तबीयत कुछ ठीक नहीं। माताओं और बहनों, अबे यार तुम्हें यहाँ माता माता कहाँ दिख रही है यार, सब भाई लोग खड़े, बोलो आगे। हमारी कॉलोनी में रात के टाइम पे ऐसे अचानक बिजली का गुल होना, आई डोंट लाइक इट, क्योंकि रात के टाइम में शहर में चोरी की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। और बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम सब पूरी रात चौकन्ने रहें। एंड आई लाइक इट। ओह, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। करना क्या ये तो बताओ। एक बार यहां से बाहर मिलना, बताता हूं तुम्हें मैं, समझे? कर लो रंगबाजी जो यहां करना है। करना क्या है ये बताने के लिए हमारे रेसिडेंट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष महोदय श्री मनमोहन तिवारी पधारेंगे। तिवारी भैया आइए, चढ़ जाइए। अरे अब, अरे अब कहाँ चढ़े और कैसे उतरे? देखो जो पंचों की राय है वही हम सबकी भी राय है। अरे नहीं नहीं तिवारी भैया, आपको अपनी राय तो रखनी ही पड़ेगी। अरे क्यों खा रहे हैं भाव इतना, चढ़ जाइए ना। अरे क्या, चढ़े चढ़िए जाइए। अरे चढ़िए चढ़िए चढ़िए, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं आप? ये कह रहे अंधे हो गए हो। भाइयों, अरे यहाँ खड़े हैं भाई लोग। हाँ हाँ, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मोहल्ले में चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, इसीलिए मैं ऐसा समझता हूं कि हमें अपने अपने घरों के ही बाहर पहरा देना पड़ेगा। अरे घर के बाहर क्यों, माल तो घर के अंदर रहता है। तिवारी जी, मैं आपके घर में पहरा दूंगा। आई विल हेल्प यू, यू नो। नहीं नहीं, घर के बाहर ही ठीक है, ठीक है, उससे मोहल्ले में रौनक रहेगी। क्यों भाई? ओके, लाइए तिवारी जी, हाँ दीजिए। ये रात में लाइट क्यों चली जाती है? मेरा तो दिल घबरा रहा है। हमारा भी दिल घबरा रहा है लड्डू के भैया का। भाभी माँ,
कैसी रही मीटिंग? आज रात सारे आदमी अपने अपने घर के आके पहरा देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लाइट ना होने से चोर चोरी कर सकता है भाभी जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम रात भर चाय बना बना के सबको पिलाएंगे। Oh God, मेरे साथ विभू नहीं होगा तो मेरी तो मुश्किल हो जाएगी। आपकी क्या मुश्किल हो जाएगी भाभी जी? हाँ कुछ नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। ये क्या झूल रहे हैं आप, मुझ पे सीधे खड़े रहिए। और ये क्या आइडिया दिया है आप, आदमी घर के बाहर बैठ के पहरा देगा? अरे तो आप क्या चाहते हैं कि औरतें पहरा दें? मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका, बताइए। क्या बताऊं मैं आपको, आपको पता है अनु को अंधेरे में डर के दौरे पड़ते हैं। भाभी जी को डर के दौरे पड़ते हैं? जी दौरे पड़ते हैं उसको। देखिए क्या है कि अभी से लाइट है, एवरीथिंग इज फाइन, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है और लाइट चली गई। बस जैसी लाइट गई अनु सनक गई और उसके सामने जो भी आता है ना उससे बेतहाशा लिपट जाती है। क्या बेल लिपटे के खंबे। आप तो दिया है अपना आइडिया कि घर के बाहर बैठ के पहरेदारी करो, एक को तरीका है। क्या भाभी जी अंधेरे में किसी से भी लिपट जाती है? किसी से भी? जैसे जैसे बेल लिपटती है खंबे से। खंबा आ गया। हम खुशी में भूल गए। एक मिनट जरा वो पंडित जी का धन्यवाद तो कर दे। हमारी वजह से उन्होंने ये सब काम किया जो लाइट वाइट आई। आपकी वजह से? जी मैं भी तो गया था वहां पे। हाँ मैंने भी तो बोला उनको, मैं क्या घुइया बोल रहा था वहां पे। Don't be so rude, Vibhu. It's okay. Relax. He's taking all the credit here. For God's sake, he can't do this to me. It's okay. हम फोन कर ले। हाँ करिए ना, किसने मना किया? Please. Such a liar, he's such a liar. जी पंडित जी, जी लाइट आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तिवारी जी, ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मिनट के लिए बिजली आई है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष लिफ्ट में फंस गए हैं, इसलिए उनको निकालने के लिए सिर्फ एक मिनट के लिए बिजली चालू की गई है। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ नमस्ते। किसी भी मिनट बिजली जा सकती है, यही मौका है। लेकिन सबसे पहले इन दोनों को टरकाना होगा। चलो बेबी लाइट आ गई, लेट्स गो। बहुत दर्द हो रहा है का? तिवारी जी बहुत पेन है क्या? हाँ भाभी जी, पेन किलर की बहुत जरूरत है, पेन किलर लाइए। ठीक है हम अभी लेके आते हैं पेन किलर। भाभी जी, इट्स नॉट पेन किलर, इट्स पेन किलर। सही पकड़े हैं, हम अभी लेके आते हैं किलर। तुम तो रहने ही दो अंगूरी, पिछली बार हमने तुम्हें वो पेन खत्म करने का स्प्रे मंगवाया था, तुम वो कॉकरोच मारने का स्प्रे ले आई। हम वो कॉकरोच की मौत मरते मरते बचे। मर ही जाते जी, कुछ नहीं। तिवारी जी आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया स्प्रे है अपने घर पे। विभू तुम्हें याद है ना वो नया स्प्रे जो मैं लेकर आई थी, जाके लेके आओ। सॉरी। अरे तुम्हें याद नहीं है वो मेरे बेड के पास राइट हैंड साइड पे जो ड्रॉर्स है उसके सेकंड ड्रॉर में रखा हुआ है। आई एम सॉरी। रियली विभू? आई एम गेटिंग इट राइट नाउ। तो भाभी जी के लिए चाय वाय तो बनाओ। अरे नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, एक्चुअली मैं रात को चाय पीती नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, हम पी लेंगे। अरे बैठी क्या हो, जाओ बनाओ। बनाते हैं। अभी लाइट है तो पोजीशन ले लेता हूँ, अगर लाइट चली गई तो फिर सूरदास हो जाऊंगा।